हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो GTU जो स्टूडेंट्स BSM 5 के लिए है, रेगुलर या रेगुलर टर्म एक्सटेंशन स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ये हम देख सकते हैं कि आज ही के डेट पर अपलोड हुआ है। तो इसी तरह के फास्ट न्यूज़ अपडेट्स और GTU रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम जो है रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचा सके। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं ये स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। तो आप फॉर फिलिंग द एग्ज़ाम फॉर्म एंड पेमेंट, स्टूडेंट मस्ट लॉग इन टू GTU.ac.in, student.GTU.ac.in पे आपको लॉग इन करना होगा। मतलब आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आप लॉग इन करना होगा आपको। काइंडली रेफर इंस्ट्रक्शन गाइड, ये एक PDF दिया है इंस्ट्रक्शन गाइड का, उसमें जाके आपको पढ़ लेना है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है चीज़ें। उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। स्टूडेंट हैज़ टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्ज़ाम फॉर्म शेड्यूल एज मेंशन इन टेबल ए। टेबल ए पे नीचे आपको डेट्स दिया गया है, वो डेट आपको ध्यान रखना है और उसी डेट के अंदर भर देना है आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म, वरना फिर लेट पेनल्टी फीस लगेगा आपके फॉर्म में। फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एग्ज़ाम फ्रॉम कॉन्टेक्ट योर पेरेंट इंस्टीट्यूट ओनली। जो अभी आपको कुछ भी इश्यूज़ है तो आपको डायरेक्ट पेरेंट इंस्टीट्यूट को ही संपर्क करना है, ना कि डायरेक्ट आप GTU को कॉल या मैसेज करें। उससे अच्छा कि आप अपने जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो कॉलेज है, वहीं पे आप इन्फॉर्म करें और वहां से ही अपना डाउट क्लियर करा लें। इफ़ स्टूडेंट फाइंड एनी मिसमैच इन नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम या कोई भी डिटेल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको डायरेक्ट अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को ही कॉन्टेक्ट करना है। और अगर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर सिंगल एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अगर एक से ज़्यादा बार पैसे कट जाते हैं, तो आप 30 वर्किंग डे के अंदर आपका जो है पैसे वापस आ जाएंगे। और अगर ना आए तो उसके बाद जाके आपको GTU को मेल करना है इस ईमेल आईडी पे, ep_query@gtu.edu.in पे। फिर ये टेबल ए देख लीजिए, इस डेट तक 11 से 12 फरवरी इंस्टीट्यूट के रिजेक्ट करने के लिए, मतलब अभी आपको कुछ नहीं करना है, आज और कल इंस्टीट्यूट को दिया है। मतलब रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, जैसे कि अटेंडेंस ना हो या कोई भी कारण सर अगर आप नहीं फॉर्म भर सकते, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट रिजेक्ट कर देगा। वरना इंस्टीट्यूट रिजेक्ट नहीं करता है मोस्टली, तो इंस्टीट्यूट जो है एग्ज़ाम देने देता है आपको। देन नेक्स्ट इज आप 13 से 22 तारीख तक, 13 से ड्यूरेशन फॉर फिलिंग द एग्ज़ाम फॉर्म एंड पेमेंट बाय स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल पे आप कब से कब तक पैसा भर सकते हैं, 13 से लेकर 22 तारीख तक। तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जो एग्ज़ाम फीस है उतना ही लगेगा। और 23/11 से लेकर एग्ज़ाम के 7 दिन पहले तक अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो एक 500 रुपीज़ आपका पेनल्टी लगेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट के आप जितनी जल्दी हो सके, जैसे कि 13, 14, 15, मैक्सिमम 15-16 तक ही आप भर दीजिए, क्योंकि पीछे के टाइम में बहुत ही रश रहता है और साइट हैंग होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। सो आप पहले पहले ही भर दीजिए, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े और जो एग्ज़ाम फीस है वही आप भर के एग्ज़ाम दे पाए। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको IMP क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस GTU रिलेटेड चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या पसंद आया, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है या नहीं। और ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू सो मच गाइस।